हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और एक दोस्त आकाश, और वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट ऑन गेमिंग पर। तो काफ़ी सारे लोग यार मेरे को जो स्ट्रीम पे देखते हैं या जो स्ट्रीम पे क्या मेरे को वीडियो पे भी, मतलब बहुत लोग पूछते हैं भाई जो तू लाइव आता है वो सब्सक्राइबर अलर्ट्स कैसे आते हैं मेरे फ़ोन पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सबको पता ही होगा कि मैं सिर्फ एक सिंगल फ़ोन से स्ट्रीम करता हूँ। मेरे में सब्सक्राइबर अलर्ट आता है, व्यूअर्स दिखते हैं साइड में, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसा आप मैं कैसे कर सकता हूँ वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड रुकना, मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी। ठीक है, उसका नाम है कैमरा FI Live। ठीक है, सबसे पहले आप ये कैमरा FI Live नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना अपने फोन में। ठीक है, कैमरा FI Live इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले काम क्या करना है, उसे ओपन मत करना। ठीक है, उसे ओपन मत करना। कैमरा FI Live इंस्टॉल करने के बाद अपने क्रोम ब्राउजर पर चले जाना। ठीक है, क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। ठीक है, उस लिंक पर ओपन करना, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आपके स्क्रीन के सामने दिखेगा। ठीक है, तो आप पूछोगे भाई ये क्या बता रहा है, इतना लंबा चौड़ा चीज क्या कैसे करना है। तो देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पहले तो ये बता दो कि ये स्ट्रीम लैब्स OBS की डैशबोर्ड है। ठीक है, ये डैशबोर्ड है, तो उसमें आपको करना कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अलर्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। देखो ये फीचर्स के साइड में देखो अलर्ट बॉक्स लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले अलर्ट बॉक्स पर जाना है, अलर्ट बॉक्स पर जाना है। अलर्ट बॉक्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको बीच में ऑप्शन मिलेगा ग्लोबल इवेंट टाइप्स का। ठीक है, ग्लोबल इवेंट टाइप्स का देखो बीच में ऑप्शन है। ठीक है, इस पर आपको जाना है। ठीक है, इस पर जाने के बाद आपको पहले तो वो आपको ऑन कर लेना है जो आप जिसकी चाहते हो कि आप नोटिफिकेशन आए ना। तो जैसे डोनेशन होता है, मर्च होता है, क्लाउड बॉट रिडीम्पशन या सब सुपर चैट मेंबर। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले आपको यूट्यूब सब्सक्राइबर, मैं सिर्फ यूट्यूब सब्सक्राइबर कहता हूँ क्योंकि आपको पता है मेरे अभी तक सुपर चैट अनेबल नहीं हुआ है। हो सकता है हो जाए वो कुछ दिनों में, खैर क्या बोलूँ, अभी तो मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, वो 1K सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑन कर लेना। तो मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए लगाया हूँ, तो आप चाहो तो लगा सकते हो बहुत बाकी के लिए। ठीक है, फिर आपको ये सब्सक्राइबर्स वाले पर टैप करना। ठीक है, अब सब्सक्राइबर्स वाले में जब जैसे ही मैंने यहाँ पे टैप किया देखो वो ब्लैक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइड में देखो एक इंटरफेस खुल गया, जैसा मैं सब्सक्राइब करता हूँ जब कोई मेरे को सब्सक्राइब करता है। देखो एक पिकाचू का ये बन गया था, एक साउंड बजती है। ठीक है, साउंड वॉल्यूम आप यहाँ सेट कर सकते हो। ठीक है, फ्रंट का साइज सेट कर सकते हो, फ्रंट साइज सेट कर सकते हो, फ्रंट वेट सेट कर सकते हो, कलर हाईलाइट कलर, फेड इन फेड आउट, अलर्ट ड्यूरेशन कितना भी लगेगा वो भी आप सेट कर सकते हो। कैसे आएगा, जैसे मैं साइड में लगाता हूँ ये इमेज साइड में, कि फिर लिखा आएगा, आप चाहो तो बीच में लगा सकते हो, जैसा आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करके जैसे नेम जस्ट सब्सक्राइब थैंक यू ये लिखा है ना, उसकी जगह आप बदल सकते हो। जैसे नेम वाला तो नेम ही रखना, वरना नाम नहीं आएगा उसका। जस्ट सब्सक्राइब की जगह आप कुछ लिख सकते हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग या कुछ भी जो आपका मन हो दिल करे वो आप लिख देना। ठीक है, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, वैसे ही करके आपको यहाँ पे जैसे आप मान लो सुपर चैट में जाना चाहते हो, तो देखो सुपर चैट में भी आप अलग से अपना लगा सकते हो। जैसे मैंने तो ऑफ किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सुपर चैट में जैसे ये वाला है, अब यहाँ से अपने डिफ़ॉल्ट गिफ्ट GIF जो है वो आप यहाँ से बदल सकते हो। ठीक है, आपको जैसा चाहिए वैसा आप GIF लगा सकते हो ये साइड से। ठीक है, तो जैसे मुझे ये वाली इमेज पसंद नहीं है तो मैं प्लस पे क्लिक किया। आपके पास अगर खुद है तो आप अपने से भी लगा सकते हो, लेकिन आप ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा कि इसी में से लगाओ। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर पड़ती है, वो ज़्यादातर इंस्टॉल मतलब काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना काम है आपका सब्सक्राइबर्स अलर्ट के लिए, यहाँ पे इतना काम है। ठीक है, उसके बाद भी और काम मैं बताता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ऊपर एक दिख रही है लिंक का ना, देखो अलर्ट बॉक्स योर स्क्रीन ये दिख रहा होगा, ये आपका लिंक है। ठीक है, इसको इसलिए देखो कॉपी URL का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कॉपी URL का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइड में कॉपी URL का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे इस कॉपी URL को कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब इसको कॉपी करने के बाद देखो ऊपर कुछ लिखाएगा, अलर्ट बॉक्स URL कॉपी लिखा गया। ठीक है, आपके सामने तो मतलब जो URL जो है वो कॉपी हो चुका है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ करने के बाद ये अलर्ट बॉक्स V2 को ऐसे ऑन रखना, उसके अलावा कुछ छेड़छाड़ मत करना। ठीक है, अब उसके बाद ये आपको कॉपी करके रखना है, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। अब आपको ये बताता हूँ कि मैं जो व्यूअर्स काउंट लाता हूँ वो कहाँ से लाता हूँ। ठीक है, अब देखो आपको साइड में फिर से चले जाना और फीचर्स के साइड में देखो यहाँ पे लिखा है ऑल विडगेट्स का, तो आपको ये ऑल विडगेट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ऑल विडगेट पे क्लिक करोगे तो आपको सब में काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, अलर्ट बॉक्स, चैट बॉक्स, इवेंट लिस्ट, डोनेशन गोल। फिर नीचे थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है व्यूअर्स काउंट का। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्यूअर्स काउंट का, तो सबसे पहले आपको इस व्यूअर्स काउंट वाले पर टैप करना है। ठीक है, फिर यहाँ से आप व्यूअर्स काउंट वाले को मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो,
फिर आपको टेक्स्ट कलर जैसे मैंने ब्लू रखा है, ठीक है। फंड साइज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कितना फंड चाहिए, ऊपर आपका चेंजेस हो रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ से छेड़छाड़ करूँ वहाँ से वैसे वहाँ पर फंड आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर फंड साइज़ आप रख सकते हो, ओपन फंड आप फंड का स्टाइल रख सकते हो, फंड वेट रख सकते हो, आपको कितना फंड वेट चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर मैं फंड वेट कम कर रहा हूँ, तो जो बोल्ड वाला एक्चुअली का जो फीचर है वो आपका आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी आपको देखिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, देखो विडगेट यू आर एल के बगल देखो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। देखो यू आर एल आप शो मत करवा देना, मैं जैसे मेरा शो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल यू आर एल नहीं लगाती वाली, मतलब दूसरी मेरी यू आर एल है ना जो काम करती है एक्चुअली में, ठीक है। तो आपको इस वाली यू आर एल को भी आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। फिर इसको कॉपी करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ उसके बाद क्या हुआ। देखो यहाँ मैंने कॉपी पे टाइप किया और देखो विडगेट यू आर एल कॉपी लिया है डिस्कॉर्ड वाले पर शाम करते। चलो खैर आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेने, इसी बात पर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, मतलब एकदम यार थोड़ा सा हेल्प करो यार, 1K तक पहुँचना है अपने भाई को, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप ये दोनों यू आर एल आपने कॉपी कर ली, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट होम पे आ जाना, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना या काट देना, जो आपकी मर्ज़ी, मैं तो लगाया रहता हूँ, काट भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। फिर देखो आपको मैंने एक ऐप की लिंक दी थी, ठीक है, कैमरा एफआई लाइव की लिंक दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेटा क्लियर कर देता हूँ एक सेकंड को, वरना आपको समझाने में मेरे को दिक्कत होगी ना कि कैसे इससे स्ट्रीम करना है, वो आपको समझाने में मेरे को दिक्कत होगी। तो चलो इसका डेटा हम क्लियर कर देते हैं। तो मैंने स्टोरेज पे गया और ये क्लियर डेटा पे उनको क्लियर डेटा पे टैप कर दिया, ठीक है। तो इस ऐप का जो है डेटा क्लियर हो चुका है। मैं आपको समझाता हूँ इस पर करना क्या है। तो ये रहा आपका कैमरा फाइल ऐप, ठीक है। इसको अब आपको ओपन करना है, ठीक है। अब ओपन करोगे तो कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में ये वाली ऐप, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा तो लोड लेकिन होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका आपको करना क्या क्या है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, पता नहीं कौन गाड़ी वाले, चलते छोड़ो उसके बाद हटा दो। तो देखो यहाँ पे आपको लोड होगा, ये लोड हो रहा है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आई एग्री पे करके नेक्स्ट करना है, यहाँ पे नो थैंक्स करना है कि आपको फ्री ट्रायल चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो फायदा नहीं। फिर अगर आपको कैमरा ब्रॉडकास्टिंग करना, मतलब फेस ब्रॉडकास्टिंग करना, तो आप कैमरे पे छोड़ देना, वरना ये देखो राइट में ऑप्शन है, उसको स्वाइप करना तो आपका स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। देखो कैमरा इधर से आपको कैमरा इधर स्क्रीन, ठीक है। फिर आपको किस पे लाइव आना, जैसे मेरे से यूट्यूब पे आना है, आप लोगों को भी आई थिंक यूट्यूब पे ही आना होगा, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे गया और अपने अकाउंट फिर से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अपने अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरी अकाउंट यहाँ पे अपने आप सेट हो गई, आप अपने से सेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट वाले बटन पे आपको टैप करना, ठीक है। इस आपको कुछ परमिशन मांगेगा, आपको अपने से दे देनी, ठीक है। अलाउ कर देते हैं सब परमिशन, हम लोग जो जो मांग रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखते एक वाइट कलर की लोगो आ चुकी है, यहाँ पे कैमरा एफ आई लाइव का, ठीक है, ये लोगो है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे गो पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ओवरले का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे काफी देखो एक ओवरले का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ओवरले मिलेंगे, मतलब वो 5 ओवरले इसके आप इस पर लगा सकते हो, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे। तो हम लोग को तो सिर्फ 2 ही लगाना है, ठीक है। आप ज़्यादा लगा सकते हो तो लगा सकते हो, ठीक है, 5 तक आप लगा सकते हो। तो फिलहाल सबसे पहले ओवरले 1 पे क्लिक करके हम अपनी वो वाली यूआरएल पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो हमने व्यूअर्स के लिए ली थी, ठीक है। तो आप चाहो तो देखो जो मैंने पहले व्यूअर्स के लिए लास्ट वाले ली थी ना, तो उसको पहले पेस्ट कर, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और फिर ओके कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कुछ बड़ा सा एक बॉक्स मिलेगा, इसको आप छोटा कर लेना, जहाँ पे आपको सेट करना है। तो मैं इसको छोटा करता हूँ यहाँ से और ये यहाँ पे सेट हो गई, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पे आपको ओवरले का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको ओवरले का ऑप्शन आने के बाद उसके बाद आपको सेकंड पे टाइप करना है, ठीक है। सेकंड पे टाइप करने के बाद यहाँ पे जो अलर्ट बॉक्स यहाँ पे दिखा, ठीक है, यहाँ पे रखा और मैं इसको पिन ऐसे रखा। तो इसको यहाँ पे हम लोग ये रखे हैं और इसे हम लोग पिन कर लेते हैं, ठीक है। अब पिन करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड इसको इग्नोर करना, सॉरी पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये, अब आपको स्ट्रीम कैसे स्टार्ट करनी वो समझा। तो यहाँ पे आपको गो का बटन दिख रहा है, गो पे आपको टैप करना है, ठीक है। गो पे आपको टैप करने के बाद यहाँ से आपको टाइटल चेंज कर लेना है, यहाँ से पब्लिक स्ट्रीम ना हो, फिर आपको क्वालिटी सेट कर लेनी है, ठीक है, यहाँ से। फिर आपको लैंडस्केप में या जो भी आप सेलेक्ट करो, जो आपकी मर्जी है, फिर क्रिएट पे जैसे आप टैप करोगे तो आपका स्ट्रीम जो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तो नहीं कर रहा क्योंकि भैया मेरे को स्ट्रीम अभी नहीं करनी, तो आप चाहो तो आप उस समय स्टार्ट करके आपकी स्ट्रीम अच्छी खासी चलेगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, एकदम मस्त खासी। और इसके साथ कैमरा एफआई ट्यूटोरियल भी मैंने आपको दे दिया और बता भी दिया कि आपको कैसे सेट करना है हर चीज़। तो चलो यार अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी मिलेंगे, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।